जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है ग्लो टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड। वैसे तो इस चैनल पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन टेक्सटाइल्स के इंडस्ट्री में काम करने वाली दो तीन ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं लगातार आपको वीडियो लेकर आते रहता हूँ और उसके बारे में समय समय पर अपडेट देते रहता हूँ। वजह यह है कि एक तो इस तरह के स्टॉक्स में जो आम निवेशक है हमारे और आपके जिस उनके पैसे ज़्यादा लगे होते हैं, और चूंकि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री जो है भारत में काफ़ी तेज़ी से मतलब ग्रो करने वाली कंपनी है, इसका बूम अभी आने बाकी है, इसलिए भी इस तरह के जो सेक्टर्स हैं इसमें जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं उस पर नज़र रखना जरूरी होता है। तो मैं ग्लो टेक्सटाइल्स के बारे में अभी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू से इस स्टॉक को एनालिसिस करके समझते हैं कि इसका पैसा इस स्टॉक में लगाया है उन्हें क्या करना है, क्योंकि बहुत से रिटेलर्स का कहना है कि लगता है इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में रह रहा है। एक दिन में तकरीबन 5.5% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे। अगर कोई नया व्यक्ति है जो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई पुराना व्यक्ति भी है, मान लीजिए उसका प्राइस किसी भी लेवल पर प्राइस अभी नीचे आने से उसका पोर्टफोलियो में यह स्टॉक निगेटिव में चल रहा है, तो कहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ताकि एवरेजिंग करने से आप जानते हैं कि जो आपका बाइंग प्राइस होता है नीचे आ जाता है तो आपको थोड़ी राहत मिलती है। प्राइस जैसे ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने लगता है। तो इन सब चीजों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोब टेक्सटाइल्स जो कंपनी है इसका जो काम है टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में कंपनी काम काज करती है, और इसमें टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट मतलब कपड़े बनाने से लेकर जो और सब तमाम होते हैं टेक्सटाइल्स में, हस्तकरघा और बनाने वाले सब चीजें टेक्सटाइल्स के सेक्टर में आती है। तो ये काफी बूम करने वाला है अभी, क्योंकि अभी देखेंगे तो सिर्फ बांग्लादेश हमसे आगे चल रहा है टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर है और बहुत जल्द भारत बांग्लादेश को भी पिछाड़ कर नंबर वन बन जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने में। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है सिर्फ कपड़ा ही नहीं बनाती है और भी तमाम तरह के काम काज करती है। जैसे आपने ट्राइडेंट का नाम सुना होगा, ट्राइडेंट रियल एस्टेट में भी है, ट्राइडेंट का होटल भी आता है। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स का फिलहाल रियल एस्टेट और होटल में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में ही ये अपना काम बखूबी कर रहा है। काम के बेसिस पे कंपनी के जो शेयर प्राइस उसमें लॉन्ग टर्म तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तकरीबन 81 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। देखिए वैल्यूएशन जब 100 करोड़ से ऊपर का होता है तो उसे ठीक माना जाता है, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है, लेकिन यह भी 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। थोड़ा समय दीजिए, पहुंच जाएगा तो यह भी बढ़िया हो जाएगा। स्टॉक का पी 14 के आसपास है, जो कि बहुत ही सही लेवल है। इस लेवल पर बाइक किया जा सकता है स्टॉक, लेकिन किस लेवल पे बाइक करना है वो हम लोग जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तो वहां पे समझेंगे। अभी समझिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो आरओसी है, काफी तगड़ा है। देख सकते हैं तकरीबन 7% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी इतना रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आपका बाइंग प्राइस है, सही लेवल बाइक करते हैं तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कम है, ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि शेयर प्राइस जैसे बढ़ेगा तो बुक वैल्यू से अधिक हो जाएगा। अब चलिए एक साल के चार्ट पर भी हम लोग आए हैं, और यहाँ पे जो आप समझेंगे एक साल के चार्ट पर तो पाएंगे कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है अभी आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देगा। और सिर्फ मैं इसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्सटाइल के सेक्टर में जो भी कंपनियां अभी काम कर रही है सबका शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड में ही जाते हुए दिखेगा। ओवरऑल जो इंडस्ट्री नीचे की तरफ मतलब जा रही हो, हालांकि ये इंडस्ट्री जिसमें बताया लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाएगा, शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक कोई भी इंडस्ट्री आपको ऊपर नीचे उस मोमेंट होते हुए दिखे उससे नहीं घबराना है। तो कहने का मतलब है कि अभी जब प्राइस नीचे तरफ जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है 2 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा 2 रुपए का लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस 2 रुपए तक आ सकता है। 2 रुपए तक आने के बाद यहाँ पे फिर समय बिताया कि प्राइस ऊपर की तरफ उठेगा और फिर इस प्राइस आ जाएगा इसी रेंज में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो काफी बार इस रेंज में ये स्टॉक ने समय बिताया 3.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच में। तो अभी प्राइस नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, और जब 2 रुपए से प्राइस ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ पे आप फिर एवरेजिंग कर सकते हैं, या थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं तो जब प्राइस इसी रेंज में आ जाए 3.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। और जब इसके ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको ये प्राइस आपको 8-9 रुपए तक जाते हुए दिखेगा, क्योंकि 4.5 रुपए तक का इसका हाई है। तो जब जब रेंज से बाहर निकलता है तो इसका डबल ये हाई लगाता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म में आप 8-9 रुपए तक के लिए इसमें जा सकते हैं, लेकिन अभी पहले प्राइस को नीचे आने दीजिए 2 रुपए तक। 2 रुपए के नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, 2 रुपए से ऊपर निकलेगा इस रेंज में आएगा, और इसके ऊपर फिर आपको 8-10 रुपए तक के लिए जा सकते हैं। कंपनी का जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में पाते हैं कि इस कंपनी का जो कर्ज है, कर्ज धीरे धीरे कंपनी का कम हुआ है। देखिए यहाँ पे लगातार कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कर्ज कम किया, और साथ में जो कंपनी का रिजर्व पैसा होता है फ्री कैश पे वो भी बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि गुड साइन है। कहीं ना कहीं कंपनी का फंडामेंटल जो है मजबूत हो रहा है, यानी कि जो कंपनी का काम है वो कंपनी का सेल्स हो रहा है, उस काम से बदौलत और सेल्स हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो यूज होता है कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में करती है, अच्छे कामों के लिए करती है। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स एक बेहतर स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में, यदि सही समय पर इसमें देख के सही इन्वेस्टमेंट
मैनेजमेंट आप करते हैं तो सही रणनीति के साथ चलते हैं तब। इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।